किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की पौध यानी बड सेटलिंग यानी गन्ने के 1.5 इंच के टुकड़े काट करके कोकोपिट और ये जो बर्मी कंपोस्ट हमने दिखाई है इसका मिश्रण और गार्डन सॉइल यानी जो उपजाऊ मिट्टी है उसका मिश्रण बराबर भाग में बारीक लेकर के और इसको कर सकते हैं। ये कटर हमने दिखाया है और 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े हैं और ये वैरायटी अभी 14201, 15023, 13235 और 17231 से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रे में ऊपर की तरफ आँख रख करके और फिर इसको लगाना है। इसके ऊपर जो मिश्रण है इस प्रकार से आपको भर देना है और फिर पॉलीथीन से इसको ढक देना है करीब 4 दिन के लिए। इस समय चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, 4 दिन आँख ऊपर रखते हुए और इसके ऊपर इस तरीके से ढक करके और फिर आप इसको भरी हुई ट्रे को ऊपर नीचे रख करके रख देंगे। 4 दिन बाद पॉलीथीन हटा देंगे, पॉलीथीन से ढक करके रखेंगे और पानी हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे। इस तरीके से आपकी गन्ने की पौध लाइन से ट्रे लगा दें समतल ज़मीन करके और इस तरीके से पौध तैयार हो जाएगी। जब भी पानी की आवश्यकता हो हल्का पानी स्प्रे कर दें, सीधे जो ट्रे हैं उस पर पानी ना पड़े ताकि जो आपने कवरिंग मटेरियल यानी जो मिश्रण कोकोपिट का, गार्डन सॉइल का और बर्मी कंपोस्ट का लगाया है वो हटने ना पाए। इस तरीके से आपका ये जमा हो जाएगा। नीचे की ज़मीन समतल कर दें, एक स्प्रे चाहें तो क्लोरोपाइरीफास से ज़मीन में कर दें ताकि कीड़े मकोड़े आपके ट्रे में आकर के और पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। 25 से 30 दिन बाद ये पौध इस समय लगाने के लिए तैयार हो जाती है। ये पौध लगाने से आपको बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बीज की काफ़ी लागत कम हो जाती है, दूसरी ओर एक बड़ा फ़ायदा है कि सारे पौधे एक साथ ज़मीन में लगते हैं, एक आयु के होते हैं, जिससे उनकी ट्रेडिंग भी साथ साथ होती है। फिर जब साथ ट्रेडिंग होगी, साथ आयु के होंगे यानी बराबर उम्र के होंगे, तो उनका वज़न भी बराबर होगा, चाहे टिलर हो चाहे पौधे हों। और जो दूसरा फ़ायदा है, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, सीधे खेत में लगा सकते हैं और समय का प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर बारिश हो रही है तो आप 2 दिन बाद इसको लगा सकते हैं, जबकि इसके उल्टे अगर आप बीज काट करके गन्ना लगाते हैं तो आपको उसी दिन लगाना पड़ेगा, तो समय का प्रतिबंध इस पर नहीं है। और आपको कभी खेत की छपाई नहीं करनी है, बगैर छपाई के आप सीधे खेत में इसको लगा सकते हैं, जिससे जो ब्लाइंड होइंग आप करते थे यानी एक कम से कम एक खाद की आप बचत कर सकते हैं, एक पानी की बचत कर सकते हैं। सीधे अगर 1% यूरिया का स्प्रे या एनपीके का स्प्रे आप कर देते हैं जो आपकी पहले से आपने पौध लगाई है, तो सीधे खेत में तुरंत खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। ये तैयार पौधे हैं जो ट्रे में हमने तैयार किए हैं, ये रोपित किए जा सकते हैं सीधे। किसान भाइयों का अनुभव है और अभी 15023 की वैरायटी यहाँ पर शामली ज़िले में हमारे किसान हैं, उनके यहाँ अरविंद कुमार जी हैं, उनके यहाँ लगी थी, वो अपना अनुभव आगे बताएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस विधि से आप गन्ना लगाते हैं तो आप ड्रेंचिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, गन्ने पर स्प्रे बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये नई विधा है गन्ने की लगाने की, नई विधा ही नहीं आगे अपनाने वाली यही विधा है जिससे आप गन्ने का अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ले पाएंगे। इसलिए आप इसको कम से कम अपने खेत में ज़रूर प्रयोग करें। प्रयोग के तौर पर मैं लगाने के लिए बता देता हूँ कि करीब पौध से जो पौध की दूरी है वो आप 1.5 फीट की रखें और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें। पानी लगाने के बाद आप पौध लगा सकते हैं या सीधे पहले नाली में पानी लगा दें फिर पौध लगाएं। जो नाली आप बनाएंगे ट्रेंच से बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाएंगे, खेत की तैयारी जैसे करते थे वैसे करेंगे। इसमें फ़ायदा क्या है, रोग कम आता है क्योंकि आपका सीड का ट्रीटमेंट हो जाता है, पौध का ट्रीटमेंट हो जाता है, इसमें रोग कम आते हैं, पौधे मजबूत होते हैं, जिससे चाहे अर्ली सूट पोरर हो चाहे फंगस की बीमारी हो वो नहीं आते हैं। पूरे 1 हेक्टेयर में आपको पौध लगानी है उसके लिए पौधा आप तैयार करते हैं और सारी पौध का आप केयर कर सकते हैं, जबकि खेत में आप इसको नहीं कर सकते हैं। अब आप हमारे अरविंद कुमार रशीदगढ़ के जो हमारे शामली किसान हैं इनकी बात सुन सकते हैं, इनको क्या अनुभव रहा है। धन्यवाद। किस विधि से लगाया? ये ट्रेन से हमने जो है ट्रेन से उखाड़ के इसमें ट्रेन फिर जो पौधा लगा उसमें पौधे लिए जी। ये पौधे कहाँ से लिए आपने? ये पौधे गांव में से उगाए गए थे जी, जो वे आकर महिला ग्रुप से लिए थे। महिला ग्रुप से लिए। कितने रुपए पौधे पड़े थे आप? ये 1.40 रुपए के करीब। कौन सी गन्ने की वैरायटी है ये? 23 है। 23।
अगर हम इसको ये देखें कि 238 से इस समय अच्छी लग रही है या 238 से तो खैर बहुत अच्छी है, इसमें ऊपर रोग आता है, इसमें रोग कम है जी, इसमें रोग बिल्कुल नहीं है। हाँ। किस महीने में लगाया था इसको? ये शरद ऋतु में लगा, सिर्फ तो करीब ऐसा होगा कोई नवंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास। हाँ। तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी थी? पौधे से पौधे की तो हमने करीब ऐसी रखी थी जी, ऐसी होगी कोई 12-24 इंच। 24 इंच। हाँ। पौधे से पौधे यानी लगभग 2 फिट। हाँ। और ये लाइन से लाइन की दूरी क्या है? लाइन से लाइन 4-5 फिट की होगी। अच्छा, 4 फिट, 4.5 फिट के आसपास है। तो पौधे जब लगाए आपने, पानी भर के लगाया या पानी बाद में लगाया? पानी तो बाद में लगाया। पानी बाद में लगाया, पहले पौधे लगा दिए। अच्छा, पौधे लगाने में एक बीघे में कितनी लागत आ जाती? पौधे लगाने में तो वो ये जो समूह वाले आए उन्हें ही बुला लाए थे। अच्छा, वही लोग समूह वाले ही लगा दिए? समूह वाले आ गए थे, हमें मजदूरी देनी कम ही लगा दो। तो एक बीघे में कितना उन्होंने लिया पैसे? उन्होंने करीब ऐसे समझो जी, समझो एक जने के करीब ऐसे बैठे थे हमारे 800-900 रुपये करीब हमने उन्हें एक बीघे के 800 रुपये में उन्होंने लगा दिया। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, पौधा लगाने से क्या फायदा? पौधा लगाने से एक तो जल्दी तैयार हुआ, हमें उगा हुआ मिलेगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि भाई हाँ यहाँ लग गया हो ही जाएगा। और कांसी में जैसे वो लगाए ना जी, तो उसमें ये भी खतरा रहे जमा का नहीं जमेगा। अच्छा, तो ये जमा जमा मिल गया, हमने सोचा भाई एक हर एक 1.40 रुपये तो जा ही लिए, पर फायदा हमें दोगुना होगा था। अगर हम उसे कंछी से बोए तो वो कुछ कुजम भी रह सके या वैसे भी रह सके। अब वो ये पता लग गया हमें कि भाई हाँ चलो ये जमा जमा हमने लगवा दिया। अच्छा, और लोग बाग उस टाइम तक कह भी रहे थे देखो भाई मेरे खेत में किसी ने और था लग रहा है। तो एक बीघे में कितने पौधे लगे आपके? करीब ऐसे होंगे जी पौधे तो ये उस दिन उस टाइम पर मैंने तो गिने नहीं थी, मैं तो या तो मेरी दिक्कत तबीयत खराब सी रही, तबीयत खराब थी। अच्छा, वो भाई कराओ तो उससे मतलब जो आप कांची काट कर लगाते थे उससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है या कांची में फ़ायदा? सारा फायदा है जी, इसमें फ़ायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर बारिश के सीजन में आप गन्ना बोते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आपने बोया होगा जी, और सीधे गन्ने को काट कर अगर बोते हैं तो क्या दिक्कत आती है उसमें? तो आधा जमे बरसात के उसमें तो। अच्छा, और ये तो ये समझो कि उगा हुआ पौधा है, इसमें फ़ायदा बहुत है जी। हमने तो जो बारिश बाद में भी बोया थोड़ा सा काटा था वो बीज, नहीं तो सारा नुई लगा रखे थे। तो लास्ट बारिश ज़्यादा हो रही थी तो क्या दिक्कत हुई? बारिश में तो बीज निकाला और बस वो बारिश हो जाती, फिर कई उड़े पर घेर आना पड़ा था, बहुत अच्छा चीनी मिल में डालना पड़ा। हाँ, मुश्किल क्या करें। इसमें आपको फायदा है जी, चाहे जब बो दें जब बो दें, तो तैयार रखा छा में रखा चले जाओ, 4 दिन बाद बो दो 10 दिन बाद बो दो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बोलो।